तो सबसे पहला स्टेज तो यह होगा कि आप प्रशिक्षित खुद को कीजिए, आप प्रशिक्षण लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास में होना ज़रूरी है, जैसे कि फार्म लैंड होना ज़रूरी है, पानी होना ज़रूरी है, पावर होना ज़रूरी है और आपकी इच्छा होना ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें हैं। उसके बाद में आप जो आपके पास में मिट्टी है, सॉइल है, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। करने का फ़ायदा ये है, अगर आपने सॉइल एनालिसिस किया, अगर आपको पता चले कि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है तो आपको बाहर से नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं, मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो मार्केट में महंगे हैं वो आपको ख़रीदना नहीं है, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है नेचुरली। दूसरी अहम बात है कि उसको आपको सॉइल का ईसी और पीएच भी पता चलता है। अगर आपका सॉइल अच्छा नहीं है तो बाहर से भी सॉइल आप परचेस करके आप प्लांटेशन कर सकते हो। इसमें दो तीन चॉइसेस है, सॉइल में भी कर सकते हो और सॉइल के बगैर भी आप प्लांटेशन कर सकते हो, जिसको हाइड्रोपोनिक कहते हैं। और वैसे ही वाटर एनालिसिस भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जो पानी हम लोग पी सकते हैं वो ही पानी जो क्रॉप्स है ग्रो करने वाले हैं उनको लगता है। आपको एक क्षेत्र निर्धारित करना है कि मुझे कितने स्क्वायर फीट पे या कितने एकड़ में आपने को करना है, ये आपको निश्चित करना है। और फिर ग्रीन हाउस के डिज़ाइन के बारे में आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है। तो ये सब बातें आपको शुरू से ध्यान में रखनी चाहिए और इस तरह से आपको जाना चाहिए, मतलब शुरुआत जो है इस तरह की होनी चाहिए।